वेलकम बैक टू अभिनी ऑटो ब्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाटा टिगोर ईवी इलेक्ट्रिक कार। आज मैं आपको इसकी बैटरी दिखाने वाला हूं कि जब इसको बूट में कहां पर प्लेस ऑन किया जाता है और इसकी बैटरीज कैसी दिखती हैं। अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी आपको ये नहीं दिखाया, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के बारे में बताया, बट आज मैं आपको इसकी बैटरीज भी दिखाने वाला हूँ कि बूट के अंदर ये कैसे प्लेस ऑन होती हैं और वो बैटरीज किस तरीके की दिखती हैं। सो गाइस, टाटा टिगोर ईवी का बूट ओपन करने के बाद और मैटिंग हटाने के बाद बूट में इस तरीके की बैटरीज प्लेस्ड ऑन होती हैं, जो कि है 16.2 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरीज, जो थ्री फेज 72 वोल्ट एसी इंडक्शन मोटर को पावर देती है और ये मोटर जनरेट करती है 30 किलोवाट की पावर और 105 Nm का टॉर्क। चार्जिंग की बात करो तो 90 मिनट्स के अंदर 80% तक ये चार्ज हो जाती है वीआर डीसी 15 वोल्ट फास्ट चार्जर के थ्रू। वहीं अगर आप इसको एसी वॉल चार्जर से अगर चार्ज करते हैं, जो कि घर के अंदर सॉकेट होते हैं, अगर आप उससे इसको चार्ज करते हैं स्टैंडर्ड वॉल चार्जर से, तो 8 आवर्स लगते हैं 80% तक इस बैटरी को चार्ज करने में। वहीं अगर प्राइसिंग की बात करो तो ये कार कॉस्ट करती है 11.37 to 11.96 lakhs ऑन रोड प्राइस। सो गाइज, ये बैटरीज हैं और ये बैटरीज आपस में कनेक्टेड हैं। सो इस तरीके की बैटरीज दिखती हैं। सो गाइज, अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी ये बैटरीज अभी तक दिखाई नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और इसको ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ।